दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो तो आप इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको चाहिए हो तो। दोस्तों सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ नया जानते हैं। जी वेलकम अगेन फ्रेंड्स, मैं भी आपका फिर से स्वागत करता हूँ चैनल टेक इन डिटेल्स में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने रूटेड डिवाइस के अच्छे से को कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ और दोस्तों इस ट्रिक से आप अपने शेड्स बार के इंडिकेटर्स को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने भी अपने डिवाइस में कुछ चेंजेस कर रखे हैं, तो ऐसे चेंजेस तो आप भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे वाईफाई और नेटवर्क के चेंजेस कर करे अभी मैंने, और भी आगे भी आपको करके दिखाने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ नया जानते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। इस ऐप का नाम है फ्लैश स्टाइल बार इंडिकेटर। दोस्तों इसका जो अगर आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे पेड मिलेगा, आपको इसका फुल वर्जन है जो बाय करना पड़ेगा। पर दोस्तों इसका फ्री वर्जन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप पेड वो फ्री वाला डाउनलोड करोगे पहले ही, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें लोक मिलेंगी, पर जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आपको फुल वर्जन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जो इसमें पहला ऑप्शन आता है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मोबाइल डाटा का। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल डाटा पे जाके आप अपने मोबाइल डाटा के इंडिकेशन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन और भी मिल जाएंगे, उनके बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारे आपको यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाएंगे। जो सा भी स्टाइल आपको अच्छा लगे, आपके डिवाइस पर अच्छा लगे, वो वाला आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ में से कोई भी अभी सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ और उसे अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। तो अगर आपको कौन सा अच्छा लगता है उसके बाद ऊपर आपको एक बार टैप करना है। दोस्तों उसके बाद आपके पास ऐसी विंडो सी आ जाएगी, इसमें आपको अप्लाई कर देना है। मैं आपको कोई होल भी दिखा देता हूँ करके, लाइक मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली इस पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करूँगा और ये मेरे डिवाइस पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हो कि मेरे ऊपर डिवाइस पर अप्लाई हो चुका है। दोस्तों अगर आपका पहली बार में ये अप्लाई ना हो तो आप एक बार अपने डिवाइस को रिबूट कर लीजिएगा, उसके बाद आपका ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे पोजीशन भी बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं राइट में कहना चाहूँ, राइट में, लेफ्ट में भी हो जाएगा ये। यहाँ से दोस्तों आप जहाँ चाहे इसको वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको इसे एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप इसे पूरे स्टेटस बार में आप जहाँ चाहे वहाँ पे आप इसे रख सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। और भी यहाँ पे बड़ी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ में कर सकते हो। तो जैसे मेरे यहाँ पे हो गया, मैं बैक जाके और भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं लाइक में आपको वाईफाई पे जाके दिखा देता हूँ। वाईफाई में आपको कई सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप बहुत सारे सेलेक्ट करके लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। लाइक मैं दोस्तों कोई भी सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ इसमें भी। तो मैं आपको ये वाला तो मैंने भी इस्तेमाल कर रखा है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरे ऊपर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसकी पोजीशन में दोस्तों अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसके पोजीशन भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। और भी अगर चाहूँ मैं और भी कई सारे इंडिकेटर्स यहाँ चेंज कर सकता हूँ। तो मैं आपको बैग जाके और भी दिखा देता हूँ, लाइक आपको मैं बैटरी, कैरियर और भी कई सारे उसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपने यहाँ पे जो भी चीज़ भी चेंज करना चाहें वहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हो। लाइक दोस्तों आपको हम बैटरी में आके दिखा देता हूँ, बैटरी में भी कई सारी चेंजेस आप कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी में जाके भी यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, एनिमेशन स्टाइल चेंज कर सकते हो इसका। आप अगर इसे यहाँ से ऑन कर लेते हो, मैंने ऑफ कर रखा था पहले परसेंटेज वगैरह। दोस्तों नीचे आके अगर आप कौन सा भी आपको इंडिकेटर अच्छा लगे वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक दोस्तों मैं आपको ये वाला सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो जब मुझे सिलेक्ट करना है तो उसके अप्लाई पे क्लिक करूँगा और मेरा अप्लाई जो हो जाएगा। मैं इसे यहाँ से बैटरी इंडिकेटर को भी ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने बैटरी इंडिकेटर ऑन किया और मेरे यहाँ पे स्टेटस बार में ये आ चुका है। इसकी मैं पोजीशन भी चेंज करके दिखा देता हूँ आपको।
इसको लेफ्ट राइट करके आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। सभी दोस्तों आपको ऐसी पोजीशन सेट करनी है। तो जब मेरा तो सेट हो चुका है, मैं इसमें कलर इंडिकेटर वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हो। मैं दोस्तों इसको डेट एंड टाइम में आपको जाकर दिखा सकता हूँ इसकी। अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहिए डेट एंड टाइम की, इसको आप सेंटर में लेके आना चाहें तो यहाँ से भी दोस्तों इसको आप सेंटर में लेके आ सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सेंटर में लेके आ चुका हूँ। तो वैसे तो दोस्तों आप कई सारे फीचर्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको इसी में मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे और भी कई सारे ऑप्शन है, ब्लूटूथ अलार्म, लोकेशन और भी कई सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। जिस मर्जी का चाहे आप यहाँ से चेंज आते कर सकते हो। फ्रूटफिश ऐप में एक और खास फीचर है। इसका अगर खास फीचर की बात करें तो इस फीचर से तो अगर आप हमने कोई भी इंडिकेटर को लेफ्ट में लेके आना चाहे लेफ्ट में लेके आ सकते हैं, राइट में लेके राइट में और सेंटर में भी लेके आ सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि सेंटर में क्लॉक लेके आ जाऊँ तो मैं क्लॉक यहाँ पर सेंटर में आ जाएगी। पर मैं एक क्लॉक पहले सेंटर में मैंने यहाँ पर कर दी थी, तो उसकी वजह से दोस्तों आप बड़ी आसानी से सेंटर में कर सकते हो। और जैसे कि आपको मैं यहाँ पे और भी चेंजेस करके दिखा देता हूँ। इसे आपको मैं यहाँ पे कैरियर लेवल को सेंटर में अगर लेके आऊँ तो आप देख सकते हो मेरा कैरियर लेवल सेंटर में आ चुका है। पर दोस्तों यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है तो उसको आपको वहाँ सेट करना पड़ेगा। तो वहाँ इसकी सेटिंग में जाके इसे सेट भी कर सकते हो आप। तो मैं अभी आपको इसे राइट में लेके आया, राइट में भी आ चुका है देखिए आप। तो दोस्तों इस ऐसे भी आप अपने कई सारी चीज़ों को लेफ्ट या फिर राइट में या फिर सेंटर में भी लेके आ सकते हो। इसमें बैटरी को भी देखिए अभी लेफ्ट में लेके आ गया, तो लेफ्ट में पूरी तरह सेट हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो दोस्तों और भी कई सारी चीज़ें आप सेंटर में लेके आए, सेंटर में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हॉटस्पॉट का मैं यहाँ पे सेंटर में लेके आ चुका हूँ। जब भी मैं हॉटस्पॉट ऑन करूँगा जैसे कि इंडिकेटर यहाँ पे मुझे सेंटर में दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपको ये अगर ऐप आपको अच्छा लगा हो तो इस ऐप वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम आगे भी ऐसी वीडियो और लेके आएँ जिसमें ऐसी ऐप और भी आपके लिए लेके आएँ। और तो आगे भी कहीं फिर वीडियो ऐसी आएंगी जो किसी रूटेड फोन्स के लिए होगी। दूसरी जब आप इसे आपको पहले डाउनलोड करेंगे तो आपको उसको एक्सपोजर स्टोर की परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो आपको इसके लिए कैसे आपको परमिशन देनी है, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको मॉड्यूल्स में चले जाना है। मॉड्यूल्स में आपको इस ऐप को दिख जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल आपको टिक होना चाहिए आपका। और टिक करने के बाद एक दोस्तों एक बार अपने डिवाइस को रिबूट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उस गलती को अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकें।